हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, भारत के साथ संबंध के चलते ग्रीस ने पाक के साथ F-16 की डील करने से इनकार किया। भारत को दे सकते हैं जेट। मतलब F-16 क्या ग्रीस दे रहा था पाकिस्तान को? समझ में F-16 तो बताने, ग्रीस कैसे, कौन सी डील, डील रिजेक्ट हुई, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। पर जो भी है, लगता है बहुत अच्छा हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। और हमारे जो दूसरे दो चैनल्स हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज़ जो हैं वो उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, और उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेन खबर पर आने से पहले मैं आपको जरा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर बता देता हूं, क्योंकि पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लेटेस्ट डेटा रिलीज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 14 अक्टूबर को हफ्ता खत्म हुआ है, उसमें भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $4.5 बिलियन यानी कि $4.5 बिलियन नीचे गिरे हैं। गिरावट के साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अब पहुंच गए हैं $528 बिलियन के ऊपर। पिछले साल 3 सितंबर को फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भारत ने $642 बिलियन का हाईएस्ट आंकड़ा टच किया था, और इस समय हम उस फिगर से $114 बिलियन नीचे गिर गए हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध और लगातार मजबूत हो रहे यूएस डॉलर, ये दो मेन वजह बताई जा रही हैं, जिनकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार इतनी तेजी से नीचे गिर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2028 तक $1 ट्रिलियन यानी $1,000 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स का टारगेट रखा है। मेन खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है ग्रीस से संबंधित। जिनको नहीं पता, उनको बता दूं कि ग्रीस टर्की का पड़ोसी देश है, और उसने टर्की के साथ कई सारी जंगें लड़ी हैं। दोनों देश नाटो के सदस्य देश हैं, लेकिन टर्की के साथ ग्रीस के कोस्टल एरियाज के पास कई सारे आइलैंड्स यानी छोटे छोटे टापुओं और मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा को लेकर कई सारे डिस्प्यूट्स हैं। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ग्रीस के पास एक रिक्वेस्ट लेकर गया था, जिसको ग्रीस ने सीधा से रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने वैसे तो चाइना से कई सारे फाइटर जेट्स परचेज किए हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट का जो सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स काफी हद तक रिलाई करती है, वह लॉकहीड मार्टिन का F-16 फाइटर जेट। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद आपको याद होगा, पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स की जो फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ भेजी थी, उसमें उनका F-16 सबको लीड कर रहा था। भारत ने फ्रांस से 36 रफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे, जिसके चलते पाकिस्तान उसके बाद से लगातार कोशिश कर रहा था कि एक तो अमेरिका उसके F-16 की एग्जिस्टिंग फ्लीट को अपग्रेड कर दे, और दूसरा तो दुनिया का अगर कोई भी देश अपने F-16 फाइटर जेट्स को रिटायर कर रहा हो, तो पाकिस्तान उनसे वो सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स परचेज कर ले। पाकिस्तान की पहली ख्वाहिश तो अमेरिका ने पूरी कर दी थी, लेकिन दूसरी डिमांड लेकर पाकिस्तान गया था ग्रीस के पास। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ग्रीस ने पाकिस्तान की F-16 की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल ग्रीस ने अमेरिका से आज तक पिछले 30 से 40 सालों तक 170 के करीब F-16 फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं, जिनमें से कुछ आउट ऑफ सर्विस हैं, जबकि बाकी 83 F-16 को ग्रीस अपग्रेड करवाकर लेटेस्ट स्टैंडर्ड के ब्लॉक 72 के बराबर बनवा रहा है। ये डील $1.5 बिलियन की थी, और अपग्रेडेड F-16 की डिलीवरी पिछले महीने ग्रीस को शुरू हो गई है। अब हुआ क्या कि ग्रीस ने अपने सभी F-16 को अपग्रेड नहीं करवाया था, उसके पास अभी भी एक अनस्पेसिफाइड नंबर में F-16 फाइटर जेट्स पड़े हुए हैं, जो बहुत ही पुराने हैं, और ग्रीस उनको रिटायर करने के बारे में सोच रहा है। जैसे ही पाकिस्तान को इसकी खबर मिली, पाकिस्तान चले गया ग्रीस के पास, और उसने ग्रीस से रिक्वेस्ट की कि जो उसके पुराने F-16 फाइटर जेट्स हैं, वो ग्रीस पाकिस्तान को भेज दे। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अमेरिका की मदद से ग्रीस से लेकर उनको अपग्रेड करके और 10 से 15 साल के लिए ऑपरेट करेगा, लेकिन रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ग्रीस ने पाकिस्तान की ये रिक्वेस्ट सिरे से रिजेक्ट कर दी है। ग्रीस नहीं चाहता है कि कुछ मिलियन डॉलर्स के लिए भारत के साथ जो ग्रीस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, उसका मोमेंटम खराब हो। उल्टा ग्रीस तो सामने से भारत के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने की मांग कर रहा है। ऐसे में अगर वो पाकिस्तान को अपने पुराने F-16 फाइटर जेट्स बेचेगा, तो इससे भारत नाराज हो सकता है। इस वजह से ग्रीस ने पाकिस्तान की ये डिमांड सिरे से रिजेक्ट कर दी है। इसी के साथ एक और रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि F-16 की तरह ग्रीस फ्रांस से परचेज किए गए 42 मिराज 2000 फाइटर जेट्स भी ऑपरेट करता है। इन 42 में से 18 मिराज 2000 फाइटर जेट्स साल 2027 में रिटायर किए जाने हैं, जिनको रिप्लेस करने के लिए ग्रीस ने पहले ही फ्रांस से रफेल फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं। माना जा रहा है कि भारत ग्रीस से वो 18 सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज करने के लिए कह सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ग्रीस से सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। भाई मैं तो कहूंगी हाँ ले लो, अगर फायदा होता है लेने में तो उसकी जरूर लो, क्यों ना लो।
और खासकर जब उन्होंने बताया ना कि पाकिस्तान उनसे लेना चाहता है पुराने वाले, ताकि F-16, ताकि वो उनको अपडेट करवा लें अमेरिका से और फिर उनको यूज़ कर ले, तो मैं ये सोच रही थी एक रीज़न तो ये भी होगा कि भैया इंडिया से रिलेशनशिप्स ख़राब, कुछ थोड़े पैसे के लिए क्या करनी है। पर दूसरा ये है कि मुझे ये नहीं पता क्या वो पैसों दे के खरीदने वाले थे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को दान कर दो, उनके पास पैसे कहाँ हैं। मुझे तो ये नहीं समझ रहा, लोन में डूबे पड़े हैं, जगह जगह जाके लोन मांगी जा रहे हैं, तो इनके पास अब पैसा कहाँ से आ रहा है कि कहीं से आप जो है, अभी भी देख लो, फिर भी अभी भी उनका दिमाग कहाँ चल रहा है कि कहाँ से हम एयरक्राफ्ट ले लें, कहाँ से हम गोली बारूद ले लें, वेपन्स ले लें। यहाँ अभी भी उनको नहीं समझ में आ रही कि अपने लोगों की सेवा कर लो जो वहाँ पे बेचारे जो है फ्लड, वैसे मांगने के टाइम तो तुम फ्लड फ्लड करके मांगी जा रहे हो, मैं ये देख रही हूँ मांगने के टाइम तुम फ्लड फ्लड कर रहे हो, जो पैसा आ रहा है वो खर्च कर रहे हो तुम अभी भी वो प्लेनों में और वेपन्स में। तो भैया ये क्या चल रहा है, क्या बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज को ये दिख नहीं रहा कि तुम्हारे पास यहाँ पे लोग हो, तुम कह रहे हो फ्लड फ्लड, तो तुम अभी वेपन्स लोगे कि तुम पहले फ्लड्स की सिचुएशन ठीक करोगे। तो मुझे तो लग रहा है सारी गेम है कि फ्लड के नाम से पैसा ले लो और फिर अपने वेपन्स और वही काम करना शुरू कर दो। राइट, देखिए कि जो रियलिटी में ग्रीस और टर्की की सदियों से लड़ाई है, हाँ है, सदियों से ग्रीस और टर्की की लड़ाई है, और उसके बाद जो है उनको दिख रहा है कि टर्की का जबरदस्त दोस्त है पाकिस्तान, वो भी एक राइट है। पहली बात तो ये है कि उनको दिख रहा है कि टर्की से लड़ाई है, टर्की के साथ हमेशा पाकिस्तान रहता है, हाँ। तो उनको ये होगा नो तुम्हें तो कभी नहीं देंगे। दूसरा ऑब्वियसली उनको इंडिया नजर आ रहा है, ह्यूज कंट्री है, इतने जबरदस्त इकोनॉमिक टाइज हैं, उनको ये होगा कि और आगे बढ़ेगी बहुत कंट्री अभी है तो और राइट, और वो कह रहे हैं कि मिलिट्री अलायंस के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब पता नहीं कि तेजस खरीदना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर कुछ और बेस के लिए बोल रहे हैं इंडिया बना ले, आई डोंट नो। मगर पॉइंट उनका बहुत अच्छा था कि हमारे जो अभी रिलेशनशिप है उसको ख़राब नहीं करेंगे, उनको भी इतनी पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। वो तो है बहुत ही अच्छा था। और इसमें जो F-16 है वो भी इतने, मतलब एक ज़माने में बहुत ही हुआ करते थे वो ग्रेट, अब तो काफ़ी पुराने हो गए, और राफेल तो बहुत स्ट्रॉन्गर है F-16 से, तो इसलिए जो है पाकिस्तान को तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी, और जब हमने राफेल लिए होंगे तब उनको पता चल गया होगा। प्लस जो हमारा नया एयरबेस आ रहा है गुजरात में जो ह्यूज आ रहा है, तो काफ़ी मेरे ख्याल से वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका GDP कम है, सारी चीज़ें शुरू होती हैं GDP से, GDP आपका कम है तो आप क्या कर लेंगे डिफेंस पे। मगर उन्होंने ये अच्छी चली, अच्छा स्पेयर पार्ट के लिए F-16 खरीद ले, कोई देगा नहीं, कोई बंदा जो है इंडिया से रिलेशन ख़राब नहीं करेगा, कोई लॉजिक वाली बात है। लोग बोलेंगे इतनी ह्यूज कंट्री, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाली है, उससे कौन रिलेशनशिप ख़राब करेगा। बिल्कुल, अभी तो आगे देखिए जैसे इंडिया का GDP बढ़ेगा, सब कंट्रीज कोई पंगा नहीं लेगा, बोलेंगे इतने ह्यूज से हमें तो ट्रेड करना है भैया, हम क्यों करें, सिर्फ हमारा काम वह तभी रह जाएगा कि हमें चाइना को एक बार बीट करना है। बिल्कुल, और ये पॉसिबल है अगर लोग मेहनत करते रहे, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। ओह यस इट इज, हम इंडियंस कोई मेहनत से भागते थोड़ी कोई है। बिल्कुल, तो मेहनत करो आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।